हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 12th इंग्लिश मीडियम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डिफाइन करने से पहले कई टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझना पड़ेगा और उसको हम दूसरे तरीके से जोड़ते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से एच हाइट पर एक वाटर टैंक बना हुआ है। क्या है? वाटर टैंक फर्स्ट, ठीक है। और वो हाइट भी इतने की है, ग्राउंड लेवल से एच वन हाइट पर है। और ये इससे एक ट्यूब से, एक पाइप से कनेक्ट है और यहां पे दूसरी टैंक है, ठीक है। ये दूसरा टैंक है, मान लीजिए ये सपोर्ट है, एक तरह से ये तो सपोर्ट है और ये टैंक यही रुक गया है। इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या है? वाटर। और वो अब वाटर है तो यहां पे क्या है? फ्लो करके ये यहां पे आ जाएगा। इसमें यहां से अंदर की हाइट मान लीजिए एच टू। क्या है? एच टू। और ये है ग्राउंड लेवल। वाटर टैंक फर्स्ट, ये है वाटर टैंक सेकेंड, ठीक है। और दोनों के अलग अलग हाइट है ग्राउंड लेवल से, एक तो है एच वन हाइट पर और एक है एच टू हाइट पर, यानी कि इनकी लेवल अलग अलग है, ठीक है। इनके क्या है? लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो लेवल अलग होने से ही, यानी कि लेवल डिफरेंस हो गया, एच वन एच टू सेम तो नहीं है, एच वन बड़ा है, एच टू कम है। तो ये जो वाटर है वो फ्लो कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लेवल डिफरेंस नहीं होता तो क्या ये वाटर फ्लो करता? देखो, अगर ये भी उतनी हाइट पे होता जितने एच वन है, तो अगर ये टैंक भी उतना ऊपर होता तो क्या इससे इसमें वाटर आता? नहीं आता। क्यों? लेवल डिफरेंस अगर नहीं होता तो वाटर फ्लो नहीं करता। और वाटर फ्लो कब किया? लेवल डिफरेंस के कारण। कहां से कहां किया? हाई लेवल से लो लेवल की तरफ किया, ठीक है। तो जो वाटर फ्लो हुआ, मैं ये समझाना चाह रहा था यहां पे कि जो वाटर फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू लेवल डिफरेंस। लेवल अलग अलग है, ठीक है। एच वन लेवल इधर, एच टू लेवल, लेवल डिफरेंस, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर जो टैंक का काम करेगा, वाटर टैंक का काम करेगा, वो एक कंडक्टर है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर वायर है या कुछ भी, पाइप है, कंडक्टर है। एक पॉइंट इसमें ए है, वी ए ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। मान लीजिए इसमें चार्ज है, यहां पे अलग चार्ज है, यहां पे अलग चार्ज है, क्यू वन मान सकते हैं, यहां पे क्यू टू मान सकते हैं। अब इसमें ए से बी और बी से ए फ्लो तब संभव है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जैसे वाटर फ्लो कब संभव था? जब लेवल डिफरेंस हो। सेम इसी तरीके से चार्ज का फ्लो तब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? जब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस हो। यानी कि उधर जो लेवल काम कर रहा था वो काम कौन करेगा? यहां पे पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे जैसे बी टू ए है मान लीजिए, तो ये तब पॉसिबल होगा जब इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो। यानी पोटेंशियल को जैसे हम वी ए वी बी करते हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हम वी और वी बी और वी बी को अलग से डिनोट करेंगे, वी क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, तो यहां पर लिख देंगे जैसे वॉटर फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू लेवल डिफरेंस, सेम इसी तरीके से चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। आपको ये पता लग गया कि वाटर फ्लो कब करता है? जब हाइट अलग हो दोनों की, एच वन एच टू अंतर हो। सेम इसी तरीके से यहां पे पोटेंशियल अगर डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स में, दोनों चार्ज में, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, समझिए दूसरे पॉइंट से।
ठीक है। तो ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी की वजह से बताया था मैंने। सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कोई चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, क्यू, और क्यू चार्ज की वजह से, जैसे प्लस क्यू है यहाँ पे, और क्यू की वजह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उसके चारों ओर वो अराउंडिंग एरिया, जहां तक उसका इफेक्ट हो, जहां तक उसका प्रभाव जम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। कौन है सोर्स चार्ज? ये। और अब ये जो कंप्लीटली मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये एरिया इसी का है, यही क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तभी तो सोर्स चार्ज है, ठीक है। दूसरा एक है पॉजिटिव, हमने क्यू नॉट लिया, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये तो केवल हम इसलिए ले रहे हैं कि टेस्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि ये अगर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा प्लस प्लस के बीच में, ये रिपेल होता है, जहां तक ये रिपेल हो रहा है तो वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर बाद रिपेल होना बंद हो जाए, ये न्यूट्रलाइजेशन महसूस करे अपने आप को, कोई किसी तरह का कोई अलग से इफेक्ट महसूस ना करे, तो वो आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसी तरीके से ये टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज, अब देखो यहां पर भी प्लस क्यू है, और ये क्या है, ये इसके ऊपर देखो क्यू नॉट चार्ज, अब डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को क्यू की तरफ ले जाने के लिए, यानी कि वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि बीच में दोनों प्लस प्लस है, तो क्या होगा इनके बीच में रिपल्सन, ये इसको मना कर रहे हैं, मना क्या कर रहे हैं, तू वहीं रह मतलब। लेकिन फिर भी अगर हम इसको बस ले जा रहे हैं, तो हमें ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क देना पड़ेगा, और उसी वर्क को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्यू नोट चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को प्लस क्यू तक लाने के लिए जितना वर्क आउटपुट करना पड़ता है, वो ही क्या होता है, पोटेंशियल। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये कहां से आता है? इन्फिनिटी से आता है। वो कहां से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से, ठीक है। तो अभी देखिए, वो वर्क क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि अगेंस्ट हमें रिपल्सन के काम करना पड़ रहा है। तो डेफिनेशन लिखिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने क्यू नोट, क्यू नोट चार्ज को दिया कितना, कितना वर्क दिया, डब्लू वर्क दिया, ठीक है। तो सेम वन गुलाम चार्ज को कितना वर्क देंगे हम, डब्लू अपॉन क्यू नोट, डब्लू अपॉन क्यू नोट, डब्लू अपॉन क्यू नोट ही क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यानी कि वी होता है डब्लू अपॉन क्यू नोट, ये होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो की पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि यहाँ पे जो क्यू नोट आता है, वो क्यू नोट क्या होता है, वो टेस्ट चार्ज जैसे है, तो इन्फिनिटी से आता है, क्या है, इन्फिनिटी से, ठीक है। टू पॉइंट के बीच की बात आ रही है, दो पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट, एक पॉइंट ए है, तो ए से बी तक लाने के लिए तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पोटेंशियल में और इसके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन केवल ये अकेला है, अकेला है, तो ये आ रहा है इन्फिनिटी से, क्या आ रहा है यहाँ पे, इन्फिनिटी से आ रहा है, और यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसका, ए पॉइंट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वह लिखते हैं, व्हेन एनी चार्ज टू बी टेकन, टू बी टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एनी चार्ज। अब इसके अंदर एनी का यूनिट चार्ज की बात की, यहां से यूनिट चार्ज, ठीक है, टेकन, देन, देन टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, वर्क डन इज नॉन एच, इज नॉन एच
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे क्यू नोट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ले गए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू वन कूलम्ब, एक क्यू नोट कूलम्ब, एक तरह से क्यू नोट कूलम्ब और वन कूलम्ब के लिए क्या हो जाएगा, आप जैसे आपने पढ़ा है कि फाइव पेंसिल का जो रेट है, फाइव पेंसिल का रेट मान लीजिए 25 रुपीज है। ठीक है, तो वन पेंसिल का रेट क्या होगा, तो वन के लिए 25/5 कर देते हैं। तो सेम इसी तरीके से यूनिट चार्ज के लिए निकालने के लिए जो क्यू नोट जो अमाउंट थी वो इधर क्या होगी, डिवाइड में। तो इसी से हमने क्या बना दिया यहाँ पे डेफिनेशन, क्या बना दिया इसके अंदर डेफिनेशन। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोबारा समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर ये प्लस क्यू है और ये ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, तो ए पॉइंट पे चार्ज यानी कि इन्फिनिटी से आ रहा है, वो क्या है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाने के लिए, ए तक लाने के लिए। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज और ए पॉइंट पे लाने के लिए, तो वो क्या होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, ए पॉइंट का। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, वी से, किससे करते हैं वी से। ठीक है, तो वो होगा वी ए, वो क्या होगा वी ए। मान लीजिए दूसरा पॉइंट है और वो भी कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे, तो वो होगा वी बी, क्या होगा वी बी, इन्फिनिटी से और वहां तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है तो वो क्या होगा वी बी। अब हमें करना है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ए से बी की बात करें तो ए से बी का मतलब क्या होगा वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ए पॉइंट पे पोटेंशियल, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, बी से ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा वो होगा कितना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए बी, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस का वी बी, तो ये क्या होगा वी ए बी। अगर हम बात करें वी बी ए की तो ये हो जाएगा इसके अंदर वी बी का मतलब क्या है, वी बी माइनस का बी ए। ठीक है, तो ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, हमने पहले बता दिया आपको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग पॉइंटों के जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है टू पॉइंट्स के लाने के लिए, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाने के लिए। ठीक है, दो पॉइंटों को एक दूसरे के पास लाने के लिए, ठीक है टू पॉइंट्स है और टू पॉइंट चार्ज को एक दूसरे के पास लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, वही क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में और बताएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया कर लो तो सुनो। हाँ, ये W अपॉन क्यू, ये वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, हाँ तो ये है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और यूनिट चार्ज हमने डेफिनेशन लिखा है, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब है वन कूलम। ठीक है, यूनिट चार्ज का मतलब क्या है वन कूलम। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डेफिनेशन इसी से बनाइए, देखो वहन यूनिट चार्ज यानी वन कूलम टू बी टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड देन टोटल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो हमने क्या पढ़ाया था, वी का जो वैल्यू था वो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट पढ़ाया था। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमने जो ई पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताया था एफ होम क्यू नोट, वो तो क्या थी वेक्टर क्वांटिटी थी, क्या थी वेक्टर, लेकिन ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, क्या है ये स्केलर, बिकॉज वर्क है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये है आपका वर्क डन, क्या है वर्क डन पर टोटल चार्ज। ठीक है, चार्ज टू बी ट्रांसफर, तो इसका जो यूनिट की बात कर रहे हैं
यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, देखो फॉर्मूले से, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का क्या होगा, वर्क होता है, देखो एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल। और क्यू नॉट का यानी कि चार्ज का होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम होती है, या इसी को बोलते हैं हम जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। आ रहा है समझ में, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, कई कंफ्यूज होते हैं, जूल पर सेकंड अलग होता है, जूल पर सेकंड तो वाट बन जाता है, लेकिन जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं, ये तो होगी यूनिट किसकी, पोटेंशियल की। अब वन वोल्ट की डेफिनेशन कोई बनाना है तो वन वोल्ट क्या होता है, वन वोल्ट ये होगा इफ जो वन कूलम, ठीक है, वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा तो वो क्या होगा, वो होगा वन वोल्ट, क्योंकि वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के बराबर जाए, तो वो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उस समय वन वोल्ट होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ यानी कि वन डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, क्यू नॉट अपॉन में क्या, क्यू नॉट डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, तो ये आ जाएगा आपका ये वन जूल, ये कितना हो जाएगा, वन जूल, और ये आएगा वन कूलम, क्या आ जाएगा, वन कूलम, तो ये आ जाएगा आपका वन वोल्ट। क्या आ जाएगा, वन वोल्ट। इसी से डेफिनेशन बनेगी, इफ वन कूलम चार्ज इज टू बी टेकन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट टोटल टोटल वर्क डन इज कॉल्ड वन वोल्ट, ठीक है। वन यानी कि वर्क डन कितना है, यानी टोटल जो फॉर दैट वन जूल वर्क, कितना, वन जूल वर्क डन इज देन पोटेंशियल 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 विल बी वन वोल्ट, कितना होगा पोटेंशियल फिर उस समय, वन वोल्ट। इसी से डेफिनेशन बन जाएगी, जब किसी वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से यानी देंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में वन जूल वर्क आउटपुट करने से ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें पोटेंशियल जो आता है वो पोटेंशियल कितना क्रिएट होता है, वन वोल्ट होता है, ठीक है। डायमेंशन बना सकते हैं इससे, क्या बना सकते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन देखो इसके, इधर देखिए, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होगा पोटेंशियल का डायमेंशन है, वर्क डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन अपॉन कूलम, ठीक है। तो ये होगा डायमेंशन में V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, तो डब्ल्यू की क्या होती है, डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो होती है फोर्स की, एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और नीचे क्या है, ए टी, ये जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा ए और ए टी, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन बनेगी एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये इसकी क्या बनेगी, डायमेंशन, ठीक है, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस थ्री, क्यों, माइनस टू पहले से और टी ए वन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा डायमेंशन इसकी। अब हम लिखते हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन लिखेंगे। देखिए
सबसे पहले ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज की वजह सोर्स चार्ज है, यानी कि ये तो सोर्स है। जैसे भाई कमरे के अंदर भी बल्ब जलता है तो लाइट का सोर्स, कमरे के अंदर तो लाइट का सोर्स बल्ब ही रहेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई ना कोई चार्ज उसको इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो ये जो चार्ज है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्लस क्यू की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ये है प्लस क्यू। अब मान लीजिए दो पॉइंट है, तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अभी मैंने बताया आपको पोटेंशियल तो क्या था कि इन्फिनिटी से इनफाइनाइट पॉइंट से और ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा कोई भी चार्ज, जैसे मान लीजिए चार्ज है क्यू नॉट है, तो ये तो क्या हो जाएगा बी, कोई सब चार्ज आ रहा है क्यू वन वो भी होगा, और ऐसे ही बी पॉइंट तक लाने के लिए हो जाएगा वो वी बी होगा, कितना होगा बी। तो ये अलोन मतलब जो सिंगल अगर कोई पॉइंट है सिंगल चार्ज है और इन्फिनिटी सार, तो उस समय तो क्या होगा पोटेंशियल। लेकिन दो पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो दो पॉइंट है, तो ये जो चार्ज है क्यू टू यहां पे क्यू वन, अब इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि वी ए अगर वी बी के बराबर होगा तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यहां पे चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो चार्ज फ्लो कब होगा यानी कि वी ए और वी बी बराबर नहीं होना चाहिए, इनके अंदर कोई इनको डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो वी ए, अभी बताया था मैंने वी ए क्या था, वी क्या था डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन में क्या जाएगा डब्ल्यू वन अपॉन क्यू वन, यहाँ पे डब्ल्यू टू अपॉन क्यू टू। तो इसी तरीके से ये वी ए है तो यहां हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन क्यू वन, ठीक है डब्ल्यू ए अपॉन, ये तो क्या हो जाएगा आपका वी ए। इसी तरीके से डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू टू, ये क्या हो जाएगा इसका वी बी, ये क्या हो जाएगा वी बी, ठीक है। इसी तरीके से अब ये यहां से यहां तक तब आएगा जब इनमें डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो बी से ए तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा तो वो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको वी ए माइनस वी बी कहते हैं और वी ए बी कहते हैं, ये क्या होगा वी ए बी, और वो ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ये होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है इधर देखिए डेफिनेशन, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस इज taken to near each other, ठीक है, then work done is known as electric potential, ठीक है। अब देखो ईच अदर की बात कर रहे हैं, दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स की बात करें तो इन अदर वर्ड्स टू पॉइंट्स कौन कौन से, इनिशियल एंड फाइनल टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल आर इन कॉन्टेक्ट विद द हेल्प ऑफ वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन, किसके अगेंस्ट किया वर्क डन रिपल्सन की, ठीक है। तो इसको भी क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और चार्ज फ्लो तभी संभव है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में हाइट का अगर अंतर है, लेवल डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल क्या क्या है, पोटेंशियल इन्फिनिटी से कोई चार्ज यूनिट चार्ज और ए पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ा, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वो क्या होगा उसका पोटेंशियल,
पोटेंशियल यही समझ सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, तो जिस चार्ज का वर्क है तो उसी का वो पोटेंशियल हो जाएगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी, तो इसी तरीके से ये है वी बी, क्या लिखेंगे तो वी बी माइनस का वी ए और इक्वल टू क्या आएगा माइनस का वी ए बी, ठीक है। और ये है स्केलर क्वांटिटी, क्या है ये जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो सेम इसी तरीके से क्योंकि वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट एस है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का एक स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, तो वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क अपॉन चार्ज है, अभी दोनों ही स्केलर है तो इस वजह से क्या आता है जो पोटेंशियल है वो भी आता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आज सिर्फ ये बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सिर्फ आज ये पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं तो जितना रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा उसको क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंटों की बात करते हैं तो दोनों का अलग अलग इनका पोटेंशियल आएगा। और फिर अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंटों के बीच में, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जैसे मान लिया क्यू चार्ज है, मान लिया आपके क्यू वन चार्ज है, तो ये सिर्फ जैसे फिर बताया था मैंने वन क्यू क्यू वन चार्ज को ले गए हम कहां पे इधर ले गए, तो वन कूलम को क्या डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, तो वो क्या होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये तो इसको कवर कर लेना, ठीक है। नोट्स है वो पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेज दिए जाएंगे और कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल केवल एक पॉइंट की बात करता है इनफिनिटी से आता है उसको वर्क डन कितना होगा, और दो पॉइंट के बीच में बात करता है दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। इसके यूनिट बता दी, इसके डायमेंशन बता दिए, ठीक है, ये आप कर लेना। थैंक यू।